गाड़ी छोड़ना मत, छोड़ोगे तो ही गिरेगा। गाड़ी छोड़ना मत, गाड़ी छोड़ना मत। 360 सही है ना, उसमें नहीं लगा है ना, चल रहा है क्या वो? उठाओ उठाओ गाड़ी, उठाओ पहले गाड़ी, उठाओ पहले। चलो 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 चलो, जा। तो सब लोग आ गए, आज तवई वाला ब्लॉग होने वाला है और अपना 360 ऑन कर लेते भाई। और ये रहा एक RS, ये BS4 का है और ये BS3 का है। तो अगर आप लोग कमेंट करोगे तो दोनों का ड्रैग रेस हम ज़रूर करेंगे, मगर अपने सेफ्टी के मान के, ठीक है? ज़्यादा तेज़ी से नहीं चलाना है। चलो तो हेलो बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो गाइस बहुत दिन बाद जाके मैं आप लोगों से मिल रहा हूँ, क्योंकि बहुत कुछ प्रॉब्लम चल रहा है अपना लाइफ में। और अभी जो मेन मुद्दा है जिसके लिए मैं आप लोगों के लिए ब्लॉग नहीं बना पा रहा था, पहला तो है मेरा GoPro का बैटरी, एक मैं सेल कर चुका हूँ और अभी फिलहाल मैं Digitech का बैटरी परचेस किया हूँ। तो अब मेरा इस GoPro में सपोर्ट नहीं ले रहा था इसलिए मैंने उसको सेल कर दिया और अभी Digitech का बैटरी मैंने परचेस किया, तो उसका बैटरी बैकअप उतना अच्छा नहीं है। और अभी फिलहाल GoPro का बैटरी मेरे पास 3 था, एक खो गया था, एक मैंने सेल कर दिया और अभी रखा हुआ है। तो फिलहाल मैंने तो Digitech का बैटरी परचेस कर लिया, उसका बैटरी बैकअप उतना अच्छा नहीं है। अगर आप लोग सोच रहे हो GoPro छोड़कर आप लोग Digitech का बैटरी परचेस करोगे तो उसका बैटरी बैकअप उतना अच्छा नहीं है। और फिलहाल मैं GoPro का बैटरी चलते चलते वो डिस्टर्ब फिर से आ गया था इसलिए मैंने उसको निकाल के रख दिया हूँ। तो अभी फिलहाल मैं Digitech का बैटरी से ही शूट कर रहा हूँ। और दूसरा जो रीज़न है जिसके वजह से मैं आप लोगों को वीडियो नहीं डाल पा रहा था, वो रीज़न है ये, देख सकते हो अभी बारिश की वजह से क्या हालत हो गया है। अपने घर के सामने रास्ता है तो रास्ते के ऊपर देख सकते हो पानी आ गया है। तो अभी यहाँ पे लगातार बारिश चल रहा था इसीलिए मैं आप लोगों को व्लॉग नहीं दिखा पा रहा था और मैं निकल नहीं पा रहा था कि बाइक लेके निकलेंगे ब्लॉगिंग करने, तो ऐसा नहीं हो रहा था। पहले तो GoPro का एक बैटरी नहीं था। एक भाई अभी कॉल किया है जिसको जो है रॉनी राइडर, तो उसका चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना आप लोग, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा। और मैं आज मिलने जा रहा हूँ जाहिद से। जाहिद मेरा इंस्टाग्राम पे पहले मुलाकात हुआ था, उसने मेरा इंस्टाग्राम पे आके बहुत सारा कॉमेंट किया, बहुत सपोर्ट दिखाया और आज जाके मैं उन लोगों से मिलने जा रहा हूँ। उसका भी कुछ दोस्त वगैरह है जो लोग वीडियो बनाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज सबके साथ मिल के आते। तो चलो आज बढ़िया एकदम जबरदस्त राइड होने वाला है, बहुत सारे बंदे एक साथ होने वाला है, तो जाते हैं मजे करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। और जो लोग मेरा घर के आसपास से हो, अगर आप लोगों को भी इतना राइड करने का मन है तो आ जा सकते हो हमारा ग्रुप में, और ग्रुप राइड में एक अलग ही मजा है। तो चलो मिलते हैं सीधा बाइक के सेटअप पे, बाइक रखा हुआ है उस घर में, और बाइक को लेके निकलते हैं और मिलते हैं आप लोगों से मोटो ब्लॉगिंग के रास्ते पे। फ्यूल अप करते हैं और सब लोग तो आ गए, मुझे कॉल कर रहा है। ओम नमः शिवाय। देखे तो पूरा हालत खराब है। अभी 360 व्यू आप लोगों को दिखा देता हूँ, इनका बाइक देखो, इनका एकदम साफ सफाई, एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन। और यहाँ पे यूट्यूब का लोग आ रहा, मेरा इसमें इतना गंदा होकर पड़ा है क्या बताएं। ऐसा ही होता है रॉनी राइडर, एकदम अलग ही। और ये रहा इनका AP मोटर, तो इनके पास बहुत सारा बाइक आप लोग देखे तो ये देख सकते हो रॉनी लाइफ स्टाइल। तो इनका बहुत सारा वीडियो है, ये स्पीकिंग भी होते आए हैं फिलहाल। अभी हम लोग जा रहे हैं अपने गांव के पास ही घूमने के लिए। चलो minutes
देख सकते हो सब लोग आ गए हैं। आज तवई वाला ब्लॉग होने वाला है और अपना 360 ऑन कर लेते भाई। और ये रहा एक RS, ये BS4 का है और ये BS3 का है। तो अगर आप लोग कमेंट करोगे तो दोनों का ड्रैग रेस हम जरूर करेंगे, मगर अपने सेफ्टी के मान के, ठीक है? ज्यादा तेजी से नहीं चलाना है। चलो ओम नमः शिवाय, चलो चलो चलो। और एक बाइक में एडजस्ट लगा हुआ है और एक भाई आ गया है जो बिना हेलमेट के हैं। तो मैंने उस भाई को बता दिया नेक्स्ट टाइम जब भी आना हेलमेट पहन के आना। और आज अपना एक RS 200 है और एक RTR है, देख सकते हो ये RTR 160 जिसमें एडजस्ट लगा हुआ है, नंबर प्लेट नहीं है। और एक RS 200 भाई देख सकते हो एकदम तवारी वाला। ओ तो चलो अभी राइड स्टार्ट करते हैं। अब देखो दो RTR 160, एक दो RS और एक NS, मतलब आज तो तवाई वाला सीन होने वाला है। ओ भाई कौन किस साइड से काट मार के निकल रहा है। जबरदस्त राइड हो रहा है भाई साहब, खतरनाक वाला, खतरनाक। और ये भाई मेरी तरह फोन से स्टार्ट कर रहा है क्योंकि मैंने भी जब यूट्यूब स्टार्ट किया था उस समय मेरे पास फोन था। और अभी फिलहाल आप लोगों के सपोर्ट की वजह से एक GoPro है और एक 360। आज का राइड तो बढ़िया गवाही वाला होने वाला है। साउंड देखो भाई, साउंड चेक करो, एसटी प्रोजेक्ट ना भाई, गजब गजब। एक साइड से आ रहे हैं, एक साइड से इन्हें स्काई। ओ हो हो हो, गजब 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 यार गजब। मजा आ रहा है भाई, एकदम तवाई वाला सीन हो रहा है। पावर भाई, आज का राइड का कुछ अलग ही मजा आ रहा है क्योंकि भाई एक तो एक बाइक में एडजस्ट लगा हुआ है और आज चलाने में इतना अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों के बाद जगह आज चलाने को मिल रहा है क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी बारिश का मौसम होके रखा है, तो बाइक चलाने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, बाइक लेके निकाल ही नहीं पा रहे। और बाइक लेके जब निकल रहे तो आराम आराम से चलाना पड़ रहा है क्योंकि मेरा बाइक का पीछे का मडगार्ड नहीं है, मैंने वो उसको उतार दिया, इसलिए कीचड़ उछल के अपने एकदम कपड़े गंदा हो रहा था, इसीलिए मैंने बारिश के समय इसको नहीं निकाल रहा था और अपना 180 को चला रहा था फिलहाल। और साउंड चेक करो गाइस, एकदम अलग ही लेवल का साउंड क्रिएट कर रहा है एसटी प्रोजेक्ट में। और भाई का तो नंबर प्लेट ही नहीं है, मतलब मेरा दोस्त, एक दोस्त तो पीछे है तो उनको भी साथ लेके चलना है। चलो मजा तो आ रहा है ना। तो गाइस आप लोगों को कैसा मजा आ रहा है आज का राइड का आप लोग कमेंट करना। अगर कोई भी बंदा हमसे जुड़ना चाहते हो तो मेरा इंस्टाग्राम में आके मैसेज करना। मैं अगर आप मेरा घर के आसपास से हो, एक साथ सब लोग राइड पे निकलेंगे और राइड में निकलने का मजा ही कुछ अलग है। भाई साहब जहर जहर जहर।
आज का राइड का मजा तो बहुत आ रहा है, मतलब सब लोग जब निकलते हैं ना तो अलग ही किस्म का मजा आता है। इससे पहले मैं अकेले मतलब ज्यादा टीम के साथ राइड नहीं करता था, तो अब से टीम के साथ राइड करने का मजा ही कुछ अलग है। और अगर ऐसा क्रेजी वाला बंदा हो तो भाई अलग ही मजा है। देख सकते हो आरएस को कैसे चला रहा है भाई, उसका शायद एबीएस है, मेरा तो एबीएस भी नहीं है अपने बाइक में, क्या ही करे। चलो जो भी है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है क्योंकि मेरा इसमें एबीएस था, एक बंदे ने बाइक लेकर बाइक को खराब कर दिया। ये फोर का मॉडल है और भाई तो एकदम पूरा रास्ते को फाड़ के आ रहा था, और इसका जो साउंड है ना हेडलाइट में क्या काम, प्रोजेक्टर लगा हुआ है भाई, देख सकते हो इसके अंदर, वाह कितना प्यारा लग रहा है देखने में। मैंने इससे पहले कोई भी आरटीआर में ये प्रोजेक्टर लगा हुआ नहीं था देखा था, और इसका इंडिकेटर में भी देख सकते हो स्माइल नहीं मतलब गुस्से का लोगो, देख सकते हो भाई बहुत प्यारा लग रहा है देखने में। हैजर्ड भी लगा हुआ है, इसका जो साउंड है ना भाई एकदम रास्ते को फाड़ के निकल रहा था, बहुत प्यारा लगा। आप लोगों को कैसे लगा लोग कमेंट करके बताना। फिलहाल आज का लाइन अप चेक करो, आरटीआर 160 और ये भैया का आरएस 200, ये कैसा मशीन है, ये मशीन का कैमन लगे तुम्हारे। ये मशीन जिसके पास है ना भाई ये सब लोग इसका प्यार में पड़ जाएगा, चाहे आपके पास जो भी बाइक है 200 सीसी का, क्योंकि इसका मजा कुछ अलग ही है। और वो तो अलग ही भाई, वो मेरा प्यार है, उसके लिए मैंने सो नहीं पाया था कि कब सुबह होगा मैं उसको खरीदने जाऊंगा। तो ये रहा भाई का यूट्यूब चैनल, तो भाई का यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, मेरा जितना भी सब्सक्राइबर हो, मेरा जितना भी सपोर्ट करते हो जितना भी लोग। तो भाई आज हमारे साथ पहली बार आया है, तो भैया का नाम मोस्ता सिंह, तो भैया का चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। इस भाई का भी यूट्यूब राइडर किरासिन गजब बेइज्जती है, किराश इमरान, तो भाई का फेसबुक पेज है राइडर किराश इमरान, तो भैया का फेसबुक पेज में फॉलो कर देना। भैया का भी बाइक में लिखा हुआ नहीं है, मगर हमारे साथ और एक बंदा जो राइड करके आया है बहुत दूर से, तो ये बाइक है, ये भैया बहुत मेहनत कर रहा है अभी यूट्यूब को ग्रो करने के लिए। तो ये भैया सिक्किम होके आए हैं और अपना बाइक अभी बाहर कहीं भी नहीं गया, मगर जाने वाला है बहुत जल्द, अभी थोड़ा सा ये परेशानी से निकल जाए उसके बाद। और सबसे पहले इस टीम से मिलने से पहले मैं मिला था जाहिद से, जाहिद का बहुत सारा कॉमेंट है अपना चैनल में और अपना इंस्टाग्राम में फिलहाल, और जाहिद अभी इस बाइक को लेकर आया है, जाहिद के पास भी और एक बाइक है फिलहाल, जाहिद आज इसे लेकर आया है, मगर जाहिद में हेलमेट नहीं था, मैंने बोला जाहिद नेक्स्ट टाइम जब भी हम लोग आएंगे तब हम लोग हेलमेट पहन के आएंगे। ओवरऑल व्यू चेक करो गाइस, कितना प्यारा लग रहा है देखने में, और आगे पुलिस मामू बैठा हुआ है। गाइस अभी हम लोग नीचे की ओर जाना चाहते हैं, मतलब अभी नीचे वो तो गाइज आप लोग अभी हम लोग नीचे जाएंगे, नीचे जाके नदी का वो पानी का बहाव बहुत अच्छा लग रहा है, इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं नीचे की ओर चलते हैं। ये तो भाई लोग बहुत बढ़िया है, हमें बता रहा था कि नीचे लग जाएगा इसीलिए एक साइड से आऊं। तो चलो भाई, गली के रास्ते में एक दिक्कत है, अपना शर्ट का हालत ख़त्म होने वाला है अगर कीचड़ रहेगा तो। कहाँ कहाँ से जा रहे हैं भाई, आज तो तबाही वाला सीन हुआ है भाई, हमने तो बहुत मज़े से बाइक चलाया क्योंकि बहुत दिन बाद जाके आज चलाने का मौका मिला, बारिश की वजह से हम लोग बाइक को निकाल नहीं पा रहे थे, और इस बाइक का जब तक आप लोग उस तरीके से चला नहीं पाओगे ना तब तक आप लोगों को सुकून नहीं आएगा। फिलहाल आज तो चला के बहुत सुकून आया है कि ग्रुप में निकले थे और चला भी लिया मज़े से। फिलहाल अभी जा रहे हैं कहाँ कहाँ से भाई, देखो बच्चे लोग देख रहे हैं बस हमें, बार बार देखो हजार बार देखो, देखने की चीज है हमारा दिल रुबा का, मगर ये साउंड कर रहा था इसीलिए इसको कस दिया। अभी नदी के किनारे चलते हैं और क्या जाके तबाही वाला सीन होता। तो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं नदी के किनारे, क्योंकि नदी के किनारे अभी पानी का बहुत प्यारा लग रहा था ऊपर से, अभी नदी के किनारे देखते कहाँ तक जा सकते है, कीचड़ होगा तो ज्यादा अंदर तो नहीं जा सकते। वाह जंगल के अंदर से हम जा रहे हैं भाई, जंगल में मंगल करने नहीं, ऐसा कोई बात नहीं भाई, जंगल में मंगल नहीं करने जा रहे, हम लोग ऐसे ही जा रहे हैं घूमने के लिए। ऊपर से तो बहुत बढ़िया लग रहा था देखने में, मगर नीचे आने के बाद कुछ अलग ही लग रहा है देखने में। यहाँ पे देख सकते हो क्या चल रहा है भाई, क्या क्या चल रहा है, तब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ, हमारा कब होगा पैसा ही पैसा होगा। वो, 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 भाई फुल लद्दाख वाला सीन आ रहा है। वो, वो, ए, ए, भाई फुल भाई।
देखो तो हमारे पीठे ये तो ठीक हो ना ए रास्ते की लादा के मन में तुम्हें और खोलो हम तुम्हें खोलो থাকতে লাগে আমার আমরা তোমার এই জায়গায় এনে দেবো সব বাইক একসঙ্গে লাইন আপ করবো ওখানে ক্যা হো গয়া আপনার বাইক কা হালাত দেখ সকতে ভাই মানে মেরা ভাই ইয়ে ক্যা হো গয়া ইয়ে দেখো কহাঁ পে ঘুস গয়া থা ভাই আপনার বাইক কা হালাত খতম হালাত খতম টুটা নেই हैंडल घुस गया है एकदम कीचड़ में और अभी उठा लेते हैं भाई गिर गया भैया का सब लोग अभी कंटेंट ले रहा है देखो मेरा हालत वो देख सकते हो मैं भैया को बार बार कह रहा था देखो मैं बार बार कह रहा था गाड़ी गिरेगा गाड़ी छोड़ो मत मैं भी नहीं जा सकता गाड़ी का पास से नहीं जा सकता गाड़ी गिर जाएगा भैया का गया देखो ये मिट्टी बहुत गीला है मैं भैया को बार बार कह रहा था यहाँ पे देख सकते हो पानी भी है यहाँ पे देखो पानी भी है मैं भैया को बार बार कह रहा था गाड़ी गिरेगा देखो टूटेला फूटेला नहीं है ना टूटा नहीं है एंगल एकदम कीचड़ में देख सकते हो यहाँ पे लग रहा है यहाँ पे मेरे से कुछ ज्यादा लग रहा है गाड़ी छोड़ना मत छोड़ोगे तो ही गिरेगा गाड़ी छोड़ना मत कहाँ पे आ गए चलो उठाओ हेलमेट दो 360 सही है ना उसमें नहीं लगा है ना चल रहा है क्या वो उठाओ गाड़ी उठाओ पहले ক্লাসটা ধরো চাকা ঘুরছে না পুরা ইয়াপে পানি পে আরে ইয়ার ইয়াপে নিচে নেই আনা চাই হাম লোগা ইয়ার পুরা জাদা খুজলি হো রা থা না গাড় পে তো গাইস আমি ফিলহাল মেরা বাইক দিয়ে গেছে আপ লোগন দেখা তো বহুত বুরা লাগ রহা হ্যায় উসমে গিরনে কে বাদ ইয়াহ পে দেখ লি ক্লাচ কা জো লিভার কাট রহতা হ্যায় তো দেখ সকতে হো ইয়ে টেড়া হো গয়া পহলে কা ভি পহলে সে টুট গয়া থা টেড়া হো কে तो ये तो अभी दूसरा लगा नहीं सकते मगर इसका भी हालत ख़राब है और यहाँ पे फ्रेम स्लाइडर की वजह से सेव है यहाँ पे लगा था तो फ्रेम स्लाइडर था इतना ज़्यादा नहीं लगा इंडिकेटर अभी सही है इंडिकेटर में प्रेशर आया था और पीछे में ज़्यादा कुछ दिक्कत तो नहीं हुआ ज़्यादा कुछ दिक्कत तो नहीं आया फिलहाल अभी इसको ले जाना है गैरेज तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं मन उतना अच्छा नहीं है आए थे मज़ा करने मगर मज़ा करने आने में तो क्या हो गया भाई आए थे मज़ा करने मगर अभी मूड पूरा ख़राब हो गया क्योंकि बाइक गिर गया है भाई बाइक का अगर कुछ होता है तो उतना अच्छा नहीं लगता आप लोग तो जानते ही हो मैं बाइक से कितना प्यार करता हूँ गर्लफ्रेंड नहीं है कोई दिक्कत नहीं मगर बाइक का अगर कुछ होता है तो दिल तो लगता है सीधा तो आज का लाइन आप लोग देख सकते हो पीछे भी है बाइक RS 200 रखा हुआ है जो है BS4 का और BS6 का MS 200 का और RTR एक आया है BS4 का और एक आगे रखा हुआ है BS3 का हाँ अभी फिलहाल उतना अच्छा नहीं लग रहा मन तो जल्दी जल्दी घर चलते हैं और आज का वीडियो हम यही प्लान करते हैं अगर वीडियो आप लोगों को ज़्यादा से भी अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना जो लोग अभी चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करो और अपना फैमिली में ऐड हो जाओ तो अपना जितना भी सब्सक्राइबर लोग आए हैं तो इन लोगों को मेरा चैनल का जो लोगो है स्टिकर है वही सबको देना है एक करके देख सकते हो चलो जाओ तो अभी इसका बारी है देखते हैं ये ऐसे एक दिया जाओ आराम से चलो Thank you.
क्लास धरो ना क्लास धरो हमरा नहीं आछी अन्ना मा बोना गाड़ी रानी 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 আমাদের মেনে হলো ব্যাটারি বসে গেলে সমস্যা, এর ব্যাটারি ডাউনে হওয়ার ইয়ে আছে, ব্যাটারি পাল্টাতে হবে। চলো নিকল গে ভাই একবার মেয়ে। ভাই বাল বাল বাঁচি, আপনার ব্যাটারি বাইক ব্যাটারি এখন ব্যাটারি বসে যাচ্ছিল।